आज का मुद्दा साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा है। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में उतारा है, चुनावी मैदान में योद्धा के रूप में इन्हें उतारा है। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा पर हिंदू आतंकवाद को फैलाने का आरोप है। क्या बीजेपी का ये साध्वी दाव काम आएगा, इसे लेकर जनता की राय ली जाएगी। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके सामने कड़ी टक्कर देने के लिए साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा गया है। और इन पर जो आरोप पहले लगे थे, हालांकि उन आरोपों को अब खारिज भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं ये मानी जाती है कि हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली उनकी छवि है। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह जो उनके सामने कड़ी टक्कर उन्हें देंगे, या फिर कड़ी टक्कर जो है दोनों के बीच देखने को मिलेगी, तो दिग्विजय सिंह भी लगातार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के बाकी नेता भी लगातार निशाना साध रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर बीजेपी ने सही नहीं किया। भोपाल से उम्मीदवार बनाया गया है साध्वी प्रज्ञा को, और ऐसे में कई बड़े सवाल जो है वो भी निकलकर सामने आते हैं। चलिए आज के बड़े सवालों की बात करते हैं। क्या बीजेपी का साध्वी दाव काम आएगा? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? साध्वी को बीजेपी ने चुनाव में उतार कर सही किया, क्या लगता है आपको? जरूर हमें बताएं। क्या बीजेपी को जीत दिलाएगी साध्वी? क्या साध्वी को चुनावी मैदान में उतारने से जीत हासिल होगी? क्या साध्वी प्रज्ञा को लड़ाना चाहिए चुनाव? क्या लगता है जरूर आप बताइए। क्या बीजेपी का ये दाव, साध्वी दाव, काम आएगा? जरूर हमें बताइए, और जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि जो छवि उनकी मानी जा रही है, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी लगातार घिर रही है साध्वी प्रज्ञा को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि उन पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को खारिज भी किया जा चुका है, और इसके लिए उन्हें तमाम जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, साध्वी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है और चुनावी योद्धा के रूप में उन्हें लोकसभा चुनाव उनसे लड़ाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का ये दाव कितना काम आएगा, ये आज के बड़े सवाल है कि बीजेपी ने अगर ये चुनावी मैदान में साध्वी प्रज्ञा को उतारा है, तो क्या जीत दिला पाएंगी साध्वी प्रज्ञा? क्योंकि साध्वी पर हिंदू आतंकवाद फैलाने का आरोप है, और इसी आरोप को लेकर कांग्रेस अब लगातार बीजेपी को घेर रही है। पिछले कुछ दिनों की बात कर ली जाए तो तमाम बातें जो है साध्वी प्रज्ञा कह भी चुकी हैं, और साथ ही फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो साध्वी प्रज्ञा ने ये भी कहा है कि बाबरी मस्जिद ढहने का उन्हें कोई दुख नहीं है। इस तरह की तमाम बातें जो साध्वी प्रज्ञा कहती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कांग्रेस को कि हिंदू आतंकवाद को वो बढ़ावा देती है, आरोप उन पर लगातार लगते हैं। सहारनपुर से राजीव कार्यक्रम के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका राजीव, बताइए क्या लगता है आपको? कांग्रेस बीजेपी को लड़ाना चाहिए, इससे कांग्रेस की पोल खुलेगी, क्योंकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने और सुशील सिंधे ने ही इस तरह की थ्योरी गढ़ी थी हिंदू आतंकवाद की। जबकि हिंदू धर्म एक बहुत ही सामान्य धर्म है जो दूसरों की मदद, दूसरों के हित कर रहा है, और एक विशेष मतलब विशेष वर्ग के वोटों के लिए एक इन्होंने इनको फंसाया था, ये कोर्ट भी साबित कर चुकी है। अब कांग्रेस इस तक गिर गई, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी चेंज करवा दिया अपने अपने सदस्यों को बैठा के, अजीत अंजुम और संदीप चौधरी को डाल के, जो सीएसटी वामपंथी, एक विशेष वामपंथी विचारधारा के पाकिस्तान समर्थित लोग हैं जिनको पाकिस्तान से पैसा आता है, ये विचार बदलवा दिया कि उन पर अत्याचार ही नहीं हुए। कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। और हेमंत करकरे की बात तो है, जो मालेगांव ब्लास्ट में जो पहले सिमी के और जो लश्करे तैयबा के आतंकवादी पकड़े गए थे, दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे ने मिलकर उनको छुड़ाया, तो हेमंत करकरे मुझे तो शहीद लगता नहीं है, वो तो एक तरीके से देशद्रोहियों का साथ देने वाला देशद्रोही है। अगर उसकी आतंकवादी हमले में मौत हो गई थी तो फिर तो साध्वी प्रज्ञा ने गलत क्या कहा? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका, और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि बीजेपी को इन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए, इससे कांग्रेस की पोल खुलेगी, ये भी जनता का मानना है। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताइए, कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला है, जरूर कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। क्या बीजेपी का ये साध्वी दाव काम आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी ने उन्हें इसलिए भी चुनावी मैदान में उतारा है ताकि
जो सवाल कांग्रेस पर उठ रहे थे वो सवाल और ज्यादा बढ़ जाएं और लगातार बरकरार रहे वो सवाल, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो छवि लोगों के मन में है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अब ऐसे आरोप लगाना शुरू हो चुकी है कि हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द आया ही कहां से। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह भी चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद नाम का कोई शब्द ही नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसका ये शब्द कहने की पहल की और कांग्रेस ने इसका आविष्कार किया है शब्द का। ये तमाम बातें जो है बीजेपी कह चुकी है, लेकिन साध्वी को बीजेपी ने चुनाव में उतार कर क्या सही किया है, क्या लगता है आपको, जरूर हमें बताइए। क्या बीजेपी को जीत दिला पाएंगे साध्वी? और जो हाल फिलहाल में नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से उन्हें, वो उनके इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर जारी किया गया है जिसमें वो ये कहती हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो विध्वंस हुआ था, जो ढही थी बाबरी मस्जिद, उसे लेकर उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्हें कोई दुख नहीं है। ये तमाम बातें अगर उन्होंने कही है तो ऐसे में चुनाव आयोग भी लगातार सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग ने नोटिस भी उन्हें जारी कर दिया है। और बीजेपी का साध्वी दाव कितना काम आएगा ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। आपको बता दें कि हाल ही में साध्वी ने 26/11 मुंबई हमले के जिक्र के दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर भी विवादित टिप्पणी की थी और इस पर भी विरोधी दलों ने रोष जताया कि एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर विवादित टिप्पणी क्यों की गई उनकी ओर से। उन्होंने ताजा बयान में ये कहा कि न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर वो चढ़ी थी बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस थमा दिया। और साथ ही आपको बता दें कि अब ये जो नोटिस जारी किया गया है इसके बाद साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं और बीजेपी का साध्वी दाव कितना काम आएगा, बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा या कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस को होगा, इन तमाम चीजों के बारे में 23 मई को ही साफ हो पाएगा। और इसी के साथ चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका चंद्रप्रकाश। हाँ शीनम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति है वो हिंदुओं के खिलाफ है। जैसे कि उर्मिला मातोंडकर को इन्होंने बॉम्बे से टिकट दिया, वो उर्मिला मातोंडकर नहीं है, उसका असली नाम है मरियम अख्तर मीर, मगर मरियम अख्तर मीर के नाम से कोई जानता नहीं इसलिए उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि वो अभिनेत्री रही है तो चुनाव लड़ रही है और लड़ना उनका अधिकार है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, दिग्गी राजा जब ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के तो एक मुलताई कांड हुआ था 12 जनवरी 1998 को, जहां 19 किसानों को इन्होंने गोली से उड़वा दिया था और 150 किसान जख्मी हो गए थे। उस समय वो किसान जो है अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे मगर इन्होंने गोली से उड़वा दिया। नंबर तीन, इन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के मालेगांव बम ब्लास्ट में 6 बंदे मर गए, 6 आदमी मरे और उसके लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, क्योंकि उसको दिख रहा है दिग्विजय सिंह को कि उसकी फिल्म पिटी हुई है, अब वो जीत नहीं सकता। अब वो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ बोल रहा है कि 6 आदमी मारे गए मालेगांव ब्लास्ट में। मैं पूछना चाहता हूँ 6 आदमी ज्यादा है या 19 आदमी ज्यादा है? 19 आदमियों का क्या कसूर था, उन किसानों का क्या कसूर था मुलताई में? वो सिर्फ अपनी जो फसल नष्ट हुई थी उसका पैसा मांग रहे थे, मुआवजा मांग रहे थे, मगर दिग्गी ने उनको गोली से बुंधवा के रख दिया। ये क्या इस प्रकार से राजनीति होती है? और चुनाव आयोग का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो सॉलिड दिया है। मैं मानता हूँ इनको अभी राजनीति नहीं आती है, जो बयान दे जाती है गलत दे जाती है, परंतु फिर भी जीत इनकी सुनिश्चित है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रप्रकाश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उन्हें लगता है बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है सॉलिड उम्मीदवार है, यानी कि साध्वी प्रज्ञा पर जो दाव खेला है बीजेपी ने उसका फायदा आने वाले वक्त में बीजेपी को जरूर मिलेगा और साध्वी प्रज्ञा जरूर जीतेंगी, ऐसा चंद्रप्रकाश जी को लगता है। चेन्नई से प्रेम कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका प्रेम, बताइए क्या लगता है आपको। मैडम, इन्होंने साध्वी जी को उतार तो दिया मैदान में, पर साध्वी जी को क्या राजनीति के बारे में माने हैं? बीजेपी वालों ने इनको उतारा है खाली राजनीति का फायदा लेने के लिए, अगर वो जीत भी जाती है तो उनको राजनीति का क्या ज्ञान है? वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उतारा है बीजेपी वाले ने अपना उल्लू, इसमें तो देश की तो क्रामट्टी हो रही है ना। किसी भी आदमी को उतार देते हैं मान लीजिए, उससे देश का क्या भला होना है मैडम?
ये खाली बातें चलती है, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब में बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, हम जिस उम्मीदवार को उतारते हैं वो देश के हित में कोई काम करे। इनको उतार दिया, ये अपनी राजनीति रोटी सकेंगे, वो अपनी राजनीति रोटी सकेंगे। आज मोदी जी का इतना नाम है, मोदी 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 सब हो रहे हैं, मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है कि इसको उतार के हमने क्या फायदा किया। किसी ऐसे नेता को उतारे उनके अगेंस्ट में, दिग्विजय जी के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में जो देश के लिए कोई काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेम। तो बीजेपी को जीत दिलाएंगी क्या साध्वी, एक बड़ा सवाल है और सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन दर्शकों का ये भी मानना है कि उन्हें राजनीति नहीं आती और राजनीति में उन्हें उतार कर, उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने गलत किया है। लेकिन लोगों का ये भी मानना है सॉलिड उम्मीदवार है साध्वी प्रज्ञा। आपको क्या लगता है आप जरूर हमें बताइए। सिरसा से बलदेव कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका बलदेव, बताइए आपको क्या लगता है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारी मतों से ये साध्वी जीतेगी और बीजेपी ने सही फैसला लेके इनको उतारा है। दिग्विजय सिंह जो है भोपाल त्रासदी कांड का जो वो था उसको भगाने वाला कौन था? विजय सिंह था। उस टाइम कितने आदमी भोपाल के अंदर, ये तो ये छह कह रहा है, उस टाइम कितने आदमी मरे? और उससे इससे पहले मेरे साथी ने बताया भी वहां सिंह ने किसानों को, इतने किसानों को गोली से उड़वाया। तो इस दिग्विजय सिंह से तो हिंदुस्तान का जो बुरे से बुरा कहें वो भी अच्छा है इस दिग्विजय सिंह से तो अपने राजनीतिज्ञ। तो ये तो बुरी तरह हारेगा। और राहुल और ये दूसरे साथी कह रहा था भाई इनको राजनीति नहीं आती, तो प्रियंका को और राहुल को कहाँ से राजनीति आ गई? ये कौन से उसमें पाठशाला में गए थे जो इनको राजनीति आ रही है? राहुल को तो यही नहीं पता भी आपने उसमें संसद में बैठना कैसे, आंख मारते हैं ये, जबकि ये देश की उच्च संस्था है और जिसको बाहर के लोग भी देखते हैं। तो इस अध्यक्ष को ये नहीं पता भी कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो ये साध्वी है जिसको ऊंच और नीच और धर्म और कर्म सब चीज का ज्ञान है। तो ये मेरे साथी कह रहे थे इनको कुछ नहीं पता, पता तो इस राहुल गांधी को, इनके खानदान को नहीं, जो जहाँ उच्च सदन बैठता है वहाँ ये गलत तरीके अपनाते हैं। तो इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलदेव सिंह जुड़े थे हमारे साथ सिरसा से, उन्हें लगता है कि अगर साध्वी प्रज्ञा को ज्ञान नहीं है राजनीति का, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ज्ञान नहीं है। आपको क्या लगता है आप भी जरूर हमें बताइए। गुड़गांव से नरेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका नरेश। नरेश आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश आप कर सकते हैं। गौतम कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है गौतम आपका, बताइए क्या लगता है आपको। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ साध्वी प्रज्ञा को जो हिंदू आतंकवाद कहते हैं, ऐसा कौन सा कहाँ पे आतंकवाद इन्होंने किया? मुसलमान धमाके के ऊपर धमाका करता है, फिर भी कांग्रेस के गांड में दम नहीं है कि मुसलमान जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चेन्नई से गौतम हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें भी यही लगता है। आपको क्या लगता है जरूर हमें बताइए। तो साध्वी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार कर क्या सही किया है, आपको क्या लगता है जरूर हमें बताइए। क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगी साध्वी? क्या बीजेपी ने जो साध्वी दाव खेला है वो बीजेपी को जीत की ओर ले जाएगा या फिर हार दिलाएगा, क्या लगता है जरूर हमें बताइए। और दिग्विजय सिंह के सामने कितने टिक पाएंगी साध्वी, और जो आरोप उन पर लग रहे थे बार बार, कांग्रेस जो लगातार घेर रही है, हिंदू आतंकवाद का आरोप जो उन पर लगाया जा रहा है कि हिंदू आतंकवाद फैलाती है, वो फैलाए जाने का आरोप भी उन पर लग रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है जरूर हमें बताइए। कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुग्राम से नरेश कार्यक्रम के दर्शक एक बार फिर जुड़ गए हैं, नरेश स्वागत है आपका। मैडम जी, मैं आपकी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि जो जो लोग अपनी बात नहीं रख सकते आपके चैनल से, वो बातें आदमी रख के अपने आप को बहुत खुश अनुभव करता है जी। ये मैडम जी, जो नरेंद्र मोदी ने जो ये साध्वी जी को जो जो चांस दिया है, उसके साथ जो ज्यादती हुई, उसके ऊपर जो
उल्टे सुलटे ये इल्जाम लगे। एक तो पब्लिक इस चीज का नतीजा उनके सामने आ जाएगा, भाई एक सच्चे आदमी को इतनी यात्राएं दी, और दिग्विजय सिंह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो हमेशा हिंदूवाद के खिलाफ बोलता रहा है, और हमारा हिंदुस्तान का नाम ही जब हिंदुस्तान है तो इसमें हिंदू को हिंदू कहने में क्या बुराई है। साध्वी बहुत अच्छी कैंडिडेट है, और रही कौन जानता है कौन नहीं जानता है, ऐसा कौन है जो पहले कभी स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा है वो पहले बा मैं माँ कहनी सीखता, उसके बाद देखो कितने तेज तरार बातें करने लगता है, अनुभव हो जाता है, जब आदमी के ऊपर बात पड़ती है तो वो सब कुछ बढ़िया तरीके से सीख जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवतार सिंह पंचकुला से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है अवतार जी आपका। जी इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं रामला के बारे में, ये कहते हैं जो सीखे हुए नहीं है, मैडम जो सीखे हुए आजम खान जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए लोग क्यों नहीं बोलते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उन्हें लगता है सवाल आजम खान जैसे लोगों पर भी उठना चाहिए, अगर साध्वी प्रज्ञा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, साध्वी पर हिंदू आतंकवाद फैलाने का जो आरोप लग रहा है। मंडी से राजेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है राजेश आपका। जी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से साध्वी जी को वहां से टिकट दिया गया है वो साध्वी का अधिकार है, और दूसरी बात दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बातें पूरा हिंदुस्तान जानता है, और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अगर हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हिंदू की बात नहीं करेंगे तो कहाँ की बात करेंगे। साध्वी जी के साथ जो अन्याय हुआ, जो उन्हें यातनाएं दी गई, इसे पूरा देश जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी हरियाणा से एक दर्शक थे हमारे साथ ही, हम भी देख रहे थे टीवी, उन्होंने भी कहा कि 16 के करीब किसानों को जिस तरीके से मतलब वो अपनी मांगे मान रहे थे उनको ऊपर गोलियां चला के उनकी हत्या की गई, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। हमेशा दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस तरीके से उनको लेके चल रही है, वो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं और हिंदुस्तान के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो साध्वी पर हिंदू आतंकवाद फैलाने के जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, इसके बाद अब जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है तो आप उन्हें कितना सही मानते हैं, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी के काम आएगा साध्वी दा, साध्वी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार कर क्या सही किया है, जरूर आप हमें बताइए, कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबरों पर फोन कीजिए। जींद से बलजीत कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है बलजीत आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये मैडम बीजेपी की बौखलाहट है, और इसलिए हिंदू हिंदू मुसलमान का तक फैला के देश को बांटना चाहती है। ये अपने ये जब ये नोटबंदी की 100 से ज्यादा आदमी मरे, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, हरियाणा तीन बार जरा कम से कम भी 500-600 लड़के जवान लड़के जेलों के अंदर बंद हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा इनका। तो ये जैसे हरियाणा के अंदर जाट वर्सेज नॉन जाट कर दिया, देश में हिंदू वर्सेज मुसलमान कर दो, ये सारी पॉलिटिक्स है इनकी सारी टोटली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो उन्हें लगता है राजनीति की जा रही है राजनेताओं की ओर से, और पार्टी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो एक अलग समुदाय के साथ जाकर कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश करती है, और यही वजह है कि साध्वी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। करनाल से योगेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है योगेश आपका, बताइए आपको क्या लगता है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी मैडम जी। वहाँ तो कोई भी जीतो या हारो, लेकिन ये एक बात ये है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि भी वहाँ पे भाईचारा माहौल खराब करने का है, कि भी जहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो हिंदू मुस्लिम करवा के और भाईचारा माहौल खराब करने का। एक जो ये साध्वी है आतंकवादी कोर्ट में केस चला था, इसके ऊपर जज ने भी अपने बयान में लिख के कहा कि भी सबूतों के अभाव के कारण और बड़े भारी मन से मुझे इसको रिहा मतलब कि बेल देनी पड़ रही है। और लेकिन जो अब कल ही जब ये परसों ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पे मारा गया, मुझे वो करा गया, मेरे को पानी डुबोया गया,
आज ही सरकारी वकील ने अपना बयान दिया कि जो प्रज्ञा ठाकुर बोल रही है ये सारा झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। और यही बयान इसके कोर्ट में भी हुए थे, और 2017 में शिवराज सरकार ने इसको पकड़ा था आरएसएस की के अंत एक व्यक्ति को मारने के कारण और एक इस ब्लास्ट के कारण, और इसकी मोटरसाइकिल गड्डी यूज करी गई थी। जब ये बताओ, जब इन्होंने गोडसे को, नथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं मानना, तो इसको आतंकवादी कहां से मान लेंगे? जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी को पिछले साल इलेक्शनों में खड़े कर सकते हैं, तो जब वो उनका आतंकवादी इनकी पार्टी में आने के बाद दूध का दूल्हा हो जा सकता है, तो ये तो अभी भारत में ही है, ये तो होते रहते हैं। ये तो वही बात हो रही है जैसे पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं मान रहा, यहाँ पे इसको ही आतंकवादी नहीं मान रहे। और क्या, कोई कुछ नहीं है, सब माहौल खराब करने की बात है। ये इस साल में 70 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई, सबकी सरकार आई, लेकिन इतनी गंदी राजनीति, कोई भी कैसी भी हो, कोई भी पार्टी हो, जितनी गंदी राजनीति इस बार हो रही है। बिल्कुल, राजनीति गंदी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और भी दर्शक इंतजार कर रहे हैं, शोभित जुड़ गए हैं कार्यक्रम के अगले दर्शक बिजनौर से। स्वागत है शोभित आपका। इसमें जो है ये जो दिग्विजय सिंह ने इन्हें झूठा फंसवाया था, साध्वी इनको इनपे अत्याचार किया था, इसका कोई प्रूफ तो रहा नहीं। 10 साल और 6-7 साल तक इन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की, ये कुछ नहीं कर पाया। अगर इनके खिलाफ कुछ होता तो उस समय कर पाते। और एक तरफ तो ये जो है, जो ये जो कांग्रेस के लोग हैं, देशद्रोही धारा हटाने की बात करते हैं, असली आतंकवादियों को तो बचाने की बात करते हैं, और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। और इस पे जो है दिग्विजय सिंह, सुमित अवस्थी और किशोर अजवानी सब जो है ये सब मिले हुए हैं। असली आतंकवादियों के लिए तो ये जो है कह रहे हैं कि देशद्रोही का कानून हटाएंगे, और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को कुछ करने के लिए जो है ये हिंदू धर्म के लोगों को ऐसे झूठे फंसवा के उनसे अत्याचार करते हैं, ये पूरी तरह गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो क्या बीजेपी का ये साध्वी दाव काम आएगा, इसके इसे लेकर जनता की राय हमने जानी, देश की आवाज हमने जानी। जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि एक स्ट्रांग उम्मीदवार जो है उतारा गया है बीजेपी की ओर से, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को राजनीति नहीं आती, इसलिए बीजेपी को नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन साध्वी जीतेंगी या फिर हारेंगी, ये 23 मई को ही साफ होगा।